हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मैं हूं कोमल नाहटा आज हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के साथ बॉलीवुड की कई इनफैक्ट बहुत सारी छोटी फिल्में रिलीज हुई है तो आइए रिव्यू करते हैं जय हो डेमोक्रेसी और कागज के फूल्स को शुरू करते हैं जय हो डेमोक्रेसी के साथ जय हो डेमोक्रेसी एक सटायर है ये सटायर है डेमोक्रेसी पर इंडिया जो डेमोक्रेसी है वो कैसे फंक्शन करती है उसके ऊपर है एक्चुअली होता ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर तनाव बना रहा है एंड अभी भी नया नया एक और तनाव पैदा हुआ है वो तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और दूसरा तनाव खड़ा हो जाता है दूसरा मुद्दा ऐसा खड़ा हो जाता है कि वापस दोनों देशों में तनाव हो जाता है और वो नया मुद्दा नया टेंशन क्या है एक बर्ड जो बॉर्डर पर नो नोमैन लैंड है वहां पर एक बर्ड पाया जाता है और दोनों कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान क्लेम करते हैं कि वो बर्ड उनका है तो ये बर्ड के लिए बर्ड को हासिल करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए इसलिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाती है और वो पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे फंक्शन करती है उस पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स में क्या क्या होता है ये बताया गया है तो द दश्यू इल्फ इज सो सिली इज सो स्ट्यूपेड

जैसे ड्रामा अनफोल्ड होता है थोड़ा बहुत मजा आता है लेकिन बाद में जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है बाद में ऑडियंस को देखने वालों को रियलाइज हो जाता है कि एक छोटी सी थिन स्टोरी लाइन को बहुत ज्यादा खींचा गया है कहने का मतलब है द सेम थिंग गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन विदाउट द ड्रामा रियली प्रोग्रेसिंग ऐसी बातें टेलीविजन सीरियल्स में देखने को मजा आता है लेकिन जहां फिल्म की बात हो तो इतनी थिन स्टोरी लाइन को इतना स्ट्रेच किया जाए कि पूरी फिल्म पूरे फिल्म का ड्रामा उसी एक थिन स्टोरी लाइन पर बना दिया जाए तो डेफिनेटली ऑडियंस को मजा नहीं आता है स्पेशली जब सेकेंड हाफ में पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स के बीच झगड़ा होता है उस झगड़े को लेकर क्या क्या बातें की जाती है दैट पार्ट इज रियली रियली इरिटेटिंग एंड इट टेस्ट पेशेंस और ये अंडरलाइन होती है बात जब एक कमेटी मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर प्लेड बाय ओमपुरी एलेजेस के दूसरे कमेटी मेंबर प्लेड बाय आदिल हुसैन हैड पोक्ड फन एट व्हाट ही वाज डूइंग उनका ये कहना है कि वो कमेटी मेंबर खूब हंसे थे क्योंकि उनके शोल्डर्स ऊपर नीचे हो रहे थे एंड दूसरे मेंबर्स उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि शोल्डर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर कोई आदमी को खांसी भी आती है तो खांसी थी या हंसी थी इस बात को लेकर इतनी बहस होती है कि ऑडियंस लूजेज इट्स पेशेंस कंप्लीटली वैसे भी जैसा हमने पहले बताया कि स्टोरी लाइन इतनी थिन है कि बात को बहुत ज्यादा बेफजूल स्ट्रेच किया गया है और इसलिए वो बात जो होनी चाहिए ड्रामा में वो नहीं है हाँ सटायर है लेकिन सटायर भी अगर ठोस होता तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी पर सटायर लोगों को देखने में मजा आता बट यहां पर मजा किरकिरा हो जाता है बिकॉज बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खींचा गया है हाँ शुरू में जब अलग अलग किरदारों को रियल लाइफ सेलिब्रिटीज या वेल नोन पर्सनैलिटीज की भूमिकाएं दी गई है कहने का मतलब है कि कोई अर्णब गोस्वामी की तरह एक्टिंग करता है कोई और किसी सेलिब्रिटी की तरह एक्टिंग करता है तो जब शुरू में ये कैरेक्टर्स अनफोल्ड होते हैं विच रिजेंबल रियल लाइफ कैरेक्टर्स रियल लाइफ नोन सेलिब्रिटीज तो थोड़ा बहुत मजा आता है बट उसके बाद दैट ऑल्सो लूज सो स्टोरी में दम था स्टोरी लाइन में दम था बट बहुत थिन स्टोरी लाइन है स्क्रीन प्ले हैज बीन बियॉन्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन और इसलिए स्क्रीन प्ले बहुत वीक पड़ जाता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां तक डायलॉग्स का सवाल है इन तीनों राइटर्स ने मिलकर कुछ डायलॉग्स तो बहुत मजेदार लिखे हैं लेकिन लाइक द स्टोरी इन द स्क्रीन प्ले द डायलॉग्स ऑल्सो लूज स्टीम आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की आइए अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर अन्नू कपूर हु इज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियमेंट्री कमेटी ही इज एक्सलेंट बहुत ही बेहतरीन काम किया है उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क ही प्लेज द साउथ इंडियन टू द हिल्ट एंड उनके डायलॉग्स बोलने का अंदाज उनके एक्टिंग का अंदाज उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके न्यूएंसेस बहुत ही मजेदार हैं एंड इन लेकिन उन्होंने भी काम बढ़ियाली सतीश कौशिक को भी बोलने के लिए डायलॉग्स लिमिटेड ही दिए गए हैं अगेन ही हैज ऑल्सो वर्कड वेल परफॉर्म्ड वेल आदिल हुसैन इज गुड दिस टैलेंटेड एक्टर्स और इनके काम के बारे में कभी ऐसे बोलने का मौका नहीं मिलता है कि दे नॉट लिव्ड अप टू एक्सपेक्टेशंस क्योंकि ये इतने बढ़िया एक्टर्स हैं आमिर बशीर इन अ स्मॉल रोल लीव्स हिज मार्क सीमा बिस्वास अगेन शी इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड शी इज वेरी वेरी नाइस रजनी गुजराल एज अनदर पार्लियामेंट्री कमेटी मेंबर इज ऑल राइट मिस भारती की भूमिका में साहिबा विज हैज हर मोमेंट्स फिर मुकेश तिवारी बेंजामिन गिलानी और ग्रुषा कपूर बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स में सपोर्टिंग कास्ट में इन तीनों की परफॉर्मेंसेस डेफिनेटली स्टैंड आउट एंड देर आर मेनी अदर एक्टर्स इन बिट रोल्स दे हैव ऑल लेंट एबल सपोर्ट तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेज की अब एक नजर डालेंगे डिरेक्शन और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर लेकिन द ड्यूज इन रियलाइज दियॉन्ड इमेजिनेशन डी वर्क विदियन ऑडियंस इंडियन सिनेमा गोइंग ऑडियंस वैसे भी सैटेकल फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं करती है उन्हें सटायर फिल्मों में देखना कम पसंद आता है बिकॉज इट उन्हेंता है, है और इसलिए वैसे ही दिस फिल्मर्स टू वेरी वेरी थिन सेक्शन ऑफ देंस एंड इट है मजा किरकिरा हो ही जाता है फिल्म में संगीत रिया एंड ब्रदरहुड का है एंड द संगशनल इन नेचर lyrics are by Yash Bhardwaj and Shrikant Agniya they are quite okay gano ki choreography mandeep Gehlot or nelson peter ki hai and the choreography the song picturizations are nothing to shout about film ka background score is by ray and brotherhood it's okay and cinematography by arvind kannabiran is definitely up to the mark production designing by rashid rangrez is all right action scenes have been choreographed by hira singh and दे आर ऑल्सो एट बेस्ट फंक्शनल रोशनी डिसूजा और अश्विन हेगडे की एडिटिंग के बारे में यह कहा जा सकता है दैट इट लीवस समथिंग टू बी डिजायर तो ओवरऑल जय हो डेमोक्रेसी बहुत ही कम लोगों को पसंद आएगी बिकॉज इट्स एलिटिस्ट इन नेचर एलिट ऑडियंस के लिए बनी है और बॉक्स ऑफिस का जहां तक सवाल है जय हो डेमोक्रेसी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाएगी दिस वन डजन रियली एंटरटेन बियॉन्ड अ पॉइंट वैसे भी आज जय हो डेमोक्रेसी की शुरुआत बेहद कमजोर है और अब आते हैं कागज के फूल्स की तरफ कागज के फूल्स इज अबाउट अ राइटर राइटर पुरुषोत्तम त्रिपाठी यानी विनय पाठक वो अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी बीवी है निकी दैट इज मुग्धा गौद से अब ये राइटर बड़े ही प्रिंसिपल राइटर है वो ऐसी कहानियां लिखते हैं ऐसी नॉवेल्स लिखते हैं जो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है और इसलिए पब्लिशर्स उनकी नॉवेल्स पब्लिश नहीं करते हैं क्योंकि पब्लिशर्स चाहते हैं कुछ चटपटी चीजें जो कि ये लिखना नहीं चाहते हैं लिखना नहीं जानते हैं इसलिए उनकी बीवी निक्की बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और वो उन्हें हमेशा ताने मारते रहती है बिकॉज शी ऑल ऑल दी लग्जरीज द ऑफ लाइफ और ऐसे ही एक दिन इन दोनों में कहा सुनी हो जाती है और त्रिपाठी त्रिपाठी पुरुषोत्तम अपना घर छोड़कर चले जाते हैं एंड एक रात वो एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ गुजारते हैं प्रॉस्टिट्यूट का नाम है रूबीना प्लेड बाय रायमा सेन फिर पुलिस उन्हें और रूबीना दोनों को पकड़ कर लेकर जाती है और उनकी बीवी को पता चल जाता है कि वो एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ पाए गए हैं नेचुरली दोनों फैमिलीज में निकी की फैमिली एंड यहां पर पुरुषोत्तम त्रिपाठी की फैमिली में तनाव बढ़ जाता है बिकॉज निकी की फैमिली पुरुषोत्तम की फैमिली को फोन करके कहती है कि दे हैव डिसाइडेड दैट निकी एंड पुरुषोत्तम शुड गो इन फॉर अ डिवोर्स अब पुरुषोत्तम और उनकी बीवी निकी में तो ऑलरेडी तनाव है और इस इंसिडेंट के बाद जहां पर पुलिस स्टेशन उनको और रूबीना को बुलाया जाता है इस इंसिडेंट के बाद वो घर तो जाते ही नहीं है बिकॉज दोनों फैमिलीज में तनाव बढ़ गया है बट वो रूबीना के साथ कुछ दिन रूबीना के दोस्त के यहां गुजारते हैं अकेले ये दोनों हैं और क्योंकि पुरुषोत्तम बहुत ही नेक इंसान है बहुत ही क्लीन हार्टेड प्योर हार्टेड इंसान है वो रूबीना के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं करते हैं जिससे कि किसी को भी शर्मिंदा होना पड़े बट ऑब्वियसली निकी थिंग्स ऑफ द वर्स्ट अबाउट पुरुषोत्तम एक दिन पुरुषोत्तम क्लब जाते हैं और वहां पर शराब पीते हैं जुआ भी खेलते हैं बाय अ स्ट्रोक ऑफ गुड लक वो जुआ में लाखों रुपए जीत जाते हैं उसके बाद वो निकी से मिलने जाते हैं उन रुपयों का वो क्या करते हैं क्या निकी को देते हैं या किसी और का भला करते हैं और निकी और पुरुषोत्तम में क्या समझौता होता है या फिर डिवोर्स ही होता है इन सवालों के जवाब आपको फिल्म के खत्म होते होते मिलते हैं क्या है वो परेशान आत्मा एकदम

अरे आपकी किताब आपको ही देना पड़ेगा चाहे कचरा छप के क्यों ना बिगड़ा हो बाजार में इट्स ऑल गुड ये वही है साथ मैं पकड़ा गया था पुलिस स्टेशन में तो इन्हीं के साथ तो तो था मैं तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस फिल्म की कहानी पटकथा और संवाद यानी स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स इस फिल्म को लिखा है अनिल कुमार चौधरी और रेशु नाथ ने वैसे तो ये रोजमर्रा के जीवन की कहानी है और इसलिए शुरू में तो ऑडियंस को मजा आता है लेकिन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे लगता है कि ऐसी बातें जो रोजमर्रा के जीवन में घटती है आम आदमी के जीवन में घटती है ऐसी बातों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया है एंड समटाइम्स ऑल दीज इंसिडेंट्स हैव बिन टेकन टू अ वेरी रेडिकुलस लेवल और इसलिए ऑडियंस को ऐसे लगता है कि बहुत ही थिन स्टोरीलाइन है जिसे बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया है कहने का मतलब है कि शुरू में शुरू के कुछ रील्स में डेफिनेटली कहानी में मजा आता है स्क्रीनप्ले में भी मजा आता है बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द स्क्रीनप्ले समटाइम्स स्ट्रेचेस टू रिडिकुलस लेवल्स फॉर इंस्टेंस पुरुषोत्तम त्रिपाठी का पहला नोवेल जब छपता है तो वो नॉवेल उनका लिखा गया नहीं है उनकी लिखी गई नॉवेल में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और ये चेंज करने वाला या करने वाली कौन है ये जब आपको पता चलता है आपको हंसी आती है हंसी अच्छे सेंस में नहीं हंसी बहुत ही इरिटेटिंग सेंस में बिकॉज आपको लगता है कि ऐसे कभी लाइफ में होता है क्या तो ऐसी कई चीजें हैं रियलिस्टिक फिल्म में ऐसी जब चीजें आ जाती है बिकॉज द ड्रामा प्रिटेंस टू तो बी वेरी ट्रू टू लाइफ लेकिन इतनी इमेजिनरी और इतनी रिडिकुलसली स्ट्यूप थिंग्स दिखाई गई है फिल्म में फिल्म के स्क्रीन प्ले में कि आपको लगता है ये रियलिस्टिक फिल्म इतनी अनरियलिस्टिक कैसे हो गई है तो कहने का मतलब है कि स्टोरी लाइन अप टू अ पॉइंट इज ओके आफ्टर दैट द स्क्रीन प्ले इज क्वाइट चाइल्डिश क्वाइट अनबिलीवेबल जहां तक डायलॉग्स का सवाल है अनिल कुमार चौधरी और रेशुनाथ के डायलॉग्स डेफिनेटली बढ़िया है एंड दे एड टू द रियलिज्म ऑफ द फिल्म ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ कैरेक्टर्स ही देख रहे हैं एटलीस्ट डायलॉग्स सुनकर तो ये तो हुई बात राइटिंग की आइए आप एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर विनय पाठक ही इज अ वेरी फाइन एक्टर और इस फिल्म में भी पुरुषोत्तम त्रिपाठी की भूमिका निभाते हुए उन्होंने एक्टिंग बढ़िया की है इनफैक्ट उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी एक्टिंग का स्टाइल ये सब इतने अच्छे हैं कि आपको लगता है कि आप ऐसा एक किरदार देख रहे हैं जो आप रियल लाइफ में देख चुके हैं कहने का मतलब है दैट एक भी सीन में ऐसे नहीं लगता है कि विनय पाठक विनय पाठक है ही प्लेस पुष्योत्तम त्रिपाठी टू द हिल्ड एक राइटर जो बहुत ही प्रिंसिपलड है जिसे घमंड है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं उन्हें कैसे लगता है जब उनकी बीवी जो कि बहुत ही मटीरियलिस्टिक है उन्हें ताने मारते रहती है, और फिर उनके साथ क्या क्या होता है तो very, very से, सेन, जो की, की भूमिका निभा रही है की भूमिका शी इज क्वाइट ऑल राइट कुछ सीन्स में शी इज फाउंड लैकिंग बट ओवरऑल शी इज क्वाइट गुड सौरभ शुक्ला जो कि निकी के भाई देव की भूमिका निभा रहे हैं

बोथ ऑफ देम लेंड वेरी गुड सपोर्ट बाकी छोटे छोटे रोल्स में और भी एक्टर्स हैं उन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है तो ये तो हुई बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की आइए अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर अनिल कुमार चौधरी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है एंड ही हैज डायरेक्टेड द फिल्म क्वाइट वेल Style उनका ऐसा है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है अगर इंटरेस्ट खो जाती है ऑडियंस तो वो इसलिए क्योंकि कमजोर है बट यू कान फॉल्टशन एज फार एस द्यूजिक सॉन्ग्स आर वेरी फंक्शनल एक भी गाना ऐसा नहीं है कि आपको याद रहे फिल्म के खत्म होने के बाद या जो गाना आप गुनगुना सकते हैं सो द म्यूजिक इज नथिंग टू शाउट अबाउट बैकग्राउंड म्यूजिक बाई सुरेंद्र सोडी इज रीजनेबली गुड ऑफकोर्स ओल्ड स्कूल को बिलोंग करता है बैकग्राउंड स्कोर बट ही हैज डन हीजर सोडी हैज डन अ फाइन जॉब कैमरा वर्क बाय अनिकेत खंडागले इज ऑल राइट रतन सूर्यवंशी का आर्ट डायरेक्शन रूटीन सा है एंड क्षितिजा खंडागले की एडिटिंग इज क्वाइट ओके अगेन डजेंट डिजर्व अ स्पेशल मेंशन तो ऑल इन ऑल कागज के फूल्स एक ऐसी फिल्म है जो एंटरटेन करती है बट बहुत ही लिमिटेड तरीके से लिमिटेड तौर पर और इसलिए कागज़ के फूल्स का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बहुत कमजोर रहेगा वैसे भी आज इस फिल्म की ओपनिंग बेहद बेहद कमजोर है दोस्तों इन दोनों फिल्मों के अलावा और भी बहुत सारी हिंदी फिल्में रिलीज हुई है जिन्हें हम इस शो में रिव्यू नहीं करेंगे तो दोस्तों ये तो हुए हमारे रिव्यूज आई हैं कुछ सिनेमा वालों से और उनसे जानते हैं कि उनके सिनेमाघरों में आज रिलीज हुई फिल्मों ने कैसी शुरुआत ली है एंड रिपोर्ट्स क्या है कागज के फूल फूलो डेमोक्रेसी इश्क के परिंदे तीनों नॉन स्टार है बिल्कुल पब्लिक नहीं आई है और ऐसे उम्मीद भी नहीं लग रही की पब्लिक आएगी टोटली डोमिनेशन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की है मॉर्निंग शो से लेके सारा दिन वीकेंड सिर्फ उसी पिक्चर की डिमांड है बाकी मिस्टर एक्स चल रही है एक, एक शो एक शो है मार्गरीटा एक शो है लीला एक शो है सब ओके है बट वीक विल बी डोमिनेटेड बाय एवेंजर्स टू बाकी ये जो हफ्ते की दूसरी बॉलीवुड की तीनों पिक्चर रिलीज हुई है वो तो बहुत खराब जाएंगी हो सकता है कि तीन दिन में शायद उतारनी भी पड़े आज रिलीज हुई पिक्चरों में जैसे कि आप सबको तो मालूम है एवेंजर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा जो उससे एक्सपेक्टेशन थी उसको उसने मीट आउट किया सब है सब जगह हाउसफुल शोज लगे हैं मॉर्निंग में मैटनी और नून शोज भी काफी अच्छे हैं एज गुड एज फुल है, as as है। आ, जो दूसरी पिक्चर आज रिलीज हुई है जिसमें कागज के फूल कुछ खास कर नहीं पाई है जय हो डेमोक्रेसी और ईश्क परिंदे तो हार्डली परफॉर्म हुई है ओवरऑल सारी जो भी इस वीक का बिजनेस है वो एवेंजर्स के ऊपर ही रहेगा बहुत अच्छा बिजनेस करेगी ऐसा लग रहा है लास्ट वीक की रिलीजेस में जैसे कि मिस्टर एक्स और मार्गरेटा नई बहुत ही कमजोर परफॉर्मेंस रहा दोनों का अब uh, बहुत ही लिमिटेड शोज और बहुत ही लाइट टैक्सिस में ही कुछ कर पाई है अदरवाइज बहुत कमजोर रहा है उसका भी परफॉर्मेंस कमिंग वीक में सारी होप्स गब्बर इस बैक से कि हिंदी मूवीज का जो बिजनेस आना चाहिए वो गब्बर के साथ एक बार फिर से वापस आए दो अच्छी हॉलीवुड uh, की मूवीज का अपन ने बहुत ही अच्छा बिजनेस देखा जैसे कि एफ और एवेंजर्स और आई होप

You can follow us on Twitter at ETC Bollywood. This is Komal Lahata, bidding you goodbye.